जिनसे मुझे लग रहा है कि मेरी वाइब नहीं बैठेगी वो है अविनाश, ईशा, बेवियन. जिससे मुझे लगता है कि बैठेगी वो है करणवीर. आई थिंक ही स्मार्ट. आई होप ही फाइंड्स मी स्मार्ट एज वेल. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम लिटिल बिट नर्वस. देखो मैं लड़ने के मूड में तो नहीं जा रही हूँ बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन समथिंग टू बी देयर. तो आई वोंट लाइक I don't poke, that's not me. I'm not like the other girls. मैं नहीं झेलने वाली हूँ, प्यार से नहीं समझाने वाली हूँ. मैं कबीर सिंह की प्रीति नहीं हूँ. वो मेरे सर पर चढ़ेगा, मैं भी चढ़ूंगी. I'm a little impatient. मुझे ना incapable लोग नहीं पसंद आते. अगर तुम inefficient हो ना in some manner, that really pisses me off. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Kashish, welcome to India Forums. Firstly, congratulations to Thank be you. The wildcard contestant to enter Big Boss season 18. पहले तो आप ये बताइए, are you excited? Are you nervous? कुछ plan किया है? नहीं किया है? What is going on? I'm very excited. I am little bit nervous. प्लान तो कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं. मैंने शो नहीं देखा है क्योंकि जब मुझे इन्होंने स्टार्टिंग में नहीं बुलाया था, मैंने सोचा मैं नहीं जा रही हूँ, मैं क्यों देखूँ. तो मैंने नहीं देखा. बट पिछले दो दिनों के अंदर, बेसिकली यस्टरडे ओनली, आई ट्राइड वॉचिंग अ लिटिल बिट. तो मैंने एपिसोड 10 देखा है, 11 देखा है, 12 का आधा देखा है और कल वाला आधा देखा है. दैट्स ऑल. तो ये जो आधे आधे हिट्स एंड बिट्स में देखे हैं, क्या कुछ समझ आ रहा है? मतलब किससे दोस्ती बनानी चाहिए, किससे दूरी रहनी चाहिए, या किसकी जाके पहले क्लास लगाओगे? देखो मैं लड़ने के मूड में तो नहीं जा रही हूँ बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन समथिंग टू बी देयर. तो आई वोंट लाइक आई डोंट पोक, दैट्स नॉट मी. बट जिनसे मुझे लग रहा है कि मेरी वाइब नहीं बैठेगी वो है अविनाश, ईशा, बेवियन. जिससे मुझे लगता है कि बैठेगी वो है करणवीर. आई थिंक ही स्मार्ट. आई होप ही फाइंड्स मी स्मार्ट एज वेल. एंड चुम भी सही है और श्रुतिका भी सही है. वंडरफुल. ये अविनाश का आपने टॉपिक अभी निकाला तो मैं आपको बता दूं कि उनको तो शायद माचिस की तिली की भी जरूरत नहीं होती है. वो ऐसी हमेशा पूरे घर को सर पे उठाए रखते हैं. अगर आपके साथ ऐसे कुछ किया तो व्हाट इज योर मंत्र टू डील विद हिम? आई एम नॉट लाइक द अदर गर्ल्स. मैं नहीं झेलने वाली हूँ, प्यार से नहीं समझाने वाली हूँ. मैं कबीर सिंह की प्रीति नहीं हूँ. वो मेरे सर पर चढ़ेगा, मैं भी चढ़ूंगी. वेल कशिश, हमने ना अभी जो आप घर में एंटर करने वाले उसके पहले प्रोमो देखा. सलमान सर थोड़े से चिढ़े हुए से नजर आ रहे हैं स्टेज पे. क्या कारण हो सकता है उस चीज का? ये मैं भी फिगर आउट करने की कोशिश करती. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीवियस statement was wrong. I'm not like the other girls. It's a wrong thing to say. I'm sorry about that. Also, stage pe I have no idea, dude. जब मैं चढ़ी वो already चिड़चिड़ाए हुए लग रहे थे. तो I will not say कि मैंने गुस्सा दिलाया. वो already चिड़चिड़ाए हुए लग रहे थे. But I don't know. Maybe he was just exhausted and done with it. Well, दिग्विजय से हमारी कुछ समय पहले बात हुई है कि आप लोगों का जो बाहर रहा है स्प्लिट्सविला में, it was not on a good page. और अभी साथ में अंदर एंटर करने का डिसीजन, आपको क्या लगता है कशिश, इज इट अ राइट डिसीजन और रॉन्ग कि साथ में एज अ वाइल्ड कार्ड जा रहे हो? अगर मुझसे पूछा जाता तो क्या मैं उसको बुलाती? डेफिनेटली नॉट. उसको पूछा जाता? Definitely not. हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जो है. ये सब I think it's universe की साजिश है कुछ आप लोगों को हर वक्त साथ में ले जाने की. I was just talking to दिग्विजय and दिग्विजय का ये statement था कि आप खुद को बहुत ज्यादा main character समझते हो और खुद को main character बनने से कोई हो नहीं जाता. मैं 100% खुद को मेन कैरेक्टर समझती हूँ. मैं उसकी कहानी में मेन कैरेक्टर नहीं, वो उसकी मर्जी है. मैं अपनी कहानी में हूँ, उससे उसको क्या लेना देना, जबरदस्ती का क्या कहूँ. उन्होंने ये भी कहा कि सलमान सर के साथ स्टेज पर आपने एक दो झूठी बातें बोली हैं आप लोगों के इसके बारे में. झूठ क्या बोला मैंने? अब ये तो वही शायद अब घर में जाके उनसे पूछ सकते हो कि झूठ क्या बोला है आपने. उसको चुल मचेगी, वो आके मुझको बोल देगा. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो मानना है. कशिश घर में ना ड्यूटीज भी करनी पड़ती है यार, यू नो, कई बार. तो ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो कशिश कभी नहीं करना चाहेगी? कभी नहीं करना चाहेगी? हाँ. खाना बनाना, आई कांट डू दैट. किचन नॉट माय थिंग. नो, नॉट हैपनिंग. खाना तो घर वालों को मिल ही नहीं रहा है जिस हिसाब से हमें देखने मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो वो ड्यूटी आपको बॉदर करेगी. ऑल्सो बात की जाए घर में डायनामिक्स जो अभी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बदल रही है, यू नो, ग्रुप्स बन रहे हैं, हमें दिख रहा है क्लियरली. अगर ऐसा एक पॉइंट आता है जब आपको किसी ग्रुप को चूज करने की बारी आती है, so which group are you going to go? I am not really a follower like that. I can't be ki iske group ki member, uske group ki member. I should have my own identity. Well, own identity to Big Boss ke ghar mein kai sare contestant leke aaye, par ek sadasya hai jo hai Big Boss ka ladla, ye identity leke ghar mein enter kiya hai. Big Boss ne unhe kaha hai ki ye top 2 sadasya mein se ek hai jinka naam hai Vivian, aur unka attitude ghar mein kuch sadasya ko sahi nahi lagta. But how is Kashish going to repair that? Deal with it. I won't take it. I won't be quiet taking it. Tum hoge ladle, theek hai, mere nahi hu. I won't take 2 minutes if I have to put you in your place. Because if you talk to me pyar se, obviously main pyar se baat karungi. Wo mujhse kafi bade hai, he's got a lot of experience. I will respect. Correct. But tameez se baat kare mujhse. Hamare yahan
पूर्णिया बिहार साइड बोलते हैं टेढ़िया की बात करेगा तो हम नहीं सुनेंगे, तो सेम थिंग, अगर वो मुझसे टेढ़िया की बात करेगा तो मैं नहीं सुनने वाली हूँ, प्यार से व्हाई नॉट, वंडरफुल। और वीकेंड का वार जैसे आता है ना कशिश, कई कंटेस्टेंट्स को डर भी होता है कि यू नो क्लास लगेगी यार आज, पर कभी अगर अच्छा किया तो तारीफ भी कर देते हैं सलमान सर, इसके लिए कितनी मेंटली प्रिपेयर्ड हो आप? दिस थिंग डज बॉदर मी, ठीक है कि अगर मुझे कभी उल्टा बोला तो फिर मैं क्या करूंगी, बिकॉज यू नो आफ्टर आई हैड लाइक अ बैड डे, अगर मुझ पर कोई चढ़ दे और मैं उसको जवाब नहीं दे सकती, आई विल टेक इट ऑफ कोर्स बिकॉज़ ही इज माय सीनियर, मैं नहीं चिल्ला के उल्टा बोलूंगी, ही इज लाइक माय यू नो माय फादर्स एज, तो मैं उल्टा नहीं बोलूंगी उनको, बट आफ्टर दैट व्हाट माय कोपिंग मैकेनिज्म इज, आई कॉल माय फादर एंड देन आई डिस अबाउट इट एंड देन आई कॉल माय बेस्ट फ्रेंड एंड देन आई बिच अबाउट इट, और यहां मैं दोनों ही नहीं कर सकती हूं, तो आई नीड समबडी हु विल अंडरस्टैंड मी, जिसके पास आई कैन वेंट, अगर मुझे वो मिल जाएगा तो आई एम गुड, अगर वो नहीं मिलेगा तो आई हैव नो आईडिया व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नो आईडिया। कशिश का वीक पॉइंट क्या हुआ घर में, मतलब जिस वजह से अगर यू नो ट्रिगर हो जाएंगी अगर किसी ने वो बात छेड़ दी तो? आई एम अ लिटिल इंपेशेंट, मुझे ना इनकेपेबल लोग नहीं पसंद आते, अगर तुम इनएफिशिएंट हो ना इन सम मैनर, दैट रियली पिसेस मी ऑफ, बट अदर देन दैट अगर किसी ने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई या फिर मेरे पेरेंट्स को बीच में लेके आए, देयर आई लूज इट। वेल दिग्विजय भी घर में होंगे कशिश, बट तो क्या मतलब अवॉइड करोगे उनको या फिर कॉर्डियल रहोगे उनके साथ या कैसे, क्या कुछ सोचा उस बारे में? आई विल अवॉइड, अगर कोई एनकाउंटर होगा ऑफ कोर्स आई विल बी कॉर्डियल, अगर कोई एनकाउंटर होगा तो, क्योंकि एज आई प्रीवियसली सेड मेरे पिताजी का कर्जा किसी ने नहीं खाया है, आई कैन बी कॉर्डियल, बट मैं जाकर के क्या बोलते हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनने की कोशिश करूंगी, इफ ही अर्न्स माय फॉरगिवनेस वेल एंड गुड, अदरवाइज आई वुड ट्राई टू इग्नोर। वंडरफुल, दैट इज ऑल दैट हैड इन स्टोर फॉर यू कशिश, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट, कीप इनसाइड द हाउस, थैंक यू।